Give me money or I boom boom. I boom everything. My face very gusa. And koi gadbad ki, I boom everything. तो जी हाँ भाई और बहनों, एक बार फिर से आपका ऐसे ही कहते हैं ना, हाँ ऐसे ही कहते होंगे, हाँ ठीक है हाँ, तो शुरू करते हैं फिर से। तो जी हाँ भाई और बहनों, एक बार फिर से आपका स्वागत है पम्मी भाई के चैनल पर, और मेरा नाम है जादूगर। और कई दिनों से मैं सोच रहा हूँ कि यार मेरे पास कोई खाने पीने के लिए, रहने सहने के लिए पैसे तो होते नहीं है, तो मैंने सोचा कि हम एक छोटी सी जॉब कर लें। और हमारी जॉब जो है बहुत ही सिंपल है। हमारे ये जो तीन लोग हैं, ये कौन है यार, ये बनियान वाला बंदा, ये माथे के ऊपर तुमने गाय क्यों बना के रखी है यार, ये माथे और शर्ट के ऊपर देखो, ओए, और माथे के ऊपर गाय का क्या मतलब है यार। तो ये है हमारा पहला बंदा, दूसरा ये ट्रेसी की बहन है, और तीसरा ये ओए खतरनाक बंदा लग रहा है यार, ये चैनिया वगैरह तो बहुत पहन के आया यार। तो ये यहाँ पे ये जो खून वगैरह बह रहा है, तो कुछ नहीं हुआ यहाँ पे, यहाँ इसने तो मेरे साथ पंगा लिया ही नहीं और मैंने इसको मारा ही नहीं। और यहाँ पे एक और मैडम जी, ये आपस में दोनों लड़ पड़े, हाँ ये आपस में दोनों लड़ पड़े और आपस में ही खून खराबा करने लगे, तो ये इनका माजरा था। तो मेरी जॉब, मैं काम करता हूँ, मैं सबसे पहले अपनी एक मॉड मेन्यू से बस स्पॉन कर लेता हूँ। मुझे बस की बहुत ज़रूरत है कि मुझे इन तीनों बंदों को, अरे बाप, ये हमारी जॉब यार काली नज़र पड़ गई है हमारे ऊपर यार, बिल्कुल काली नज़र पड़ गई है हमारे ऊपर यार। हमारी बस जो है हमारे ग्राहकों के ऊपर खड़ी हो चुकी है। बस बहन क्या कर रही है यार, एक तो पहले ही जेब के अंदर पैसे नहीं होते बस बहन, और दूसरा तू दिमाग खराब कर रही है। काम करता हूँ मैं, अरे हाँ एक एक करके बैठ जाओ, आपको टिकट लेने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारी बस है, जो मैं पैसे चार्ज करूँगा ड्राइवर को तो हम उसमें से एडजस्ट कर लेंगे। मेरे बाप बस के अंदर बैठ किससे डर रहा, कोई है भी नहीं वहाँ पे, ले पागल इंसान, कल मर जाना तूने, तेरी कब्र में खोद दूंगा, आज तू निकल बस के अंदर बैठ। बेवकूफ़ लोगों से हमारा वास्ता पड़ चुका जीटीए के अंदर। तो मैं ये बता रहा था कि यार खाने पीने के पैसे हमारे पास होते नहीं, और मम्मी भाई यार क्या कर रहा है ये ब्लू गाड़ी वाला, क्या कर रहा है। मुझे एक पीस में अपने ये जो मेरे जो क्या नाम है इनका, जो मेरे जो तीन साथी हैं, मुझे एक ही पीस में इनको ड्राइवर के एयरपोर्ट तक लेके जाना है, एक ही पीस में। तो मैं मैप पे काम करता हूँ, मैं मैप के ऊपर एयरपोर्ट की वो जो लोकेशन डाल लेता हूँ, और वहाँ से हम जहाज़ पकड़ के ना, तो हम ड्राइवर की और ड्राइवर के एयरपोर्ट तक चल पड़ेंगे। हाँ, ये आइडिया ठीक है, मैं बहुत चलाक हूँ, ये आइडिया बहुत मस्त है यार, मैं बहुत क्लेवर बनता हूँ यार। और मैंने ये सोचा कि अगर मैं बस के ज़रिए जाऊँगा तो ये पुलिस वगैरह को भनक नहीं लगेगी, क्योंकि ये जो हमारे तीन बंदे हमारी बस के अंदर बैठे हैं ना, ये बहुत ही मतलब कि वांटेड बंदे हैं। इनको चार कंट्रियों या पांच कंट्रियों की पुलिस ऐसे ढूंढ रही है कि जैसे कोई मम्मी अपने बच्चे को मेले में ढूंढती है, तो बड़े पागलों की तरह इनको ढूंढने की कोशिश कर रही है। और मैं नहीं चाहता कि पुलिस को भनक लगे कि हमारी बस में ये तीनों बंदे, हाई वांटेड जो बंदे हैं, वो सफ़र कर रहे हैं, और ये सारा काम हमने लिया है ड्राइवर से। तो मैं आपको पहले ये बात बता दूं कि ड्राइवर को हिंदी नहीं आती, तो यार मैंने मतलब कि टूटी फूटी तो नहीं, मैं बड़ी अच्छी इंग्लिश बोलता हूँ, तो मैंने मस्त ऐसे धुआंधार इंग्लिश मारी कि ड्राइवर दंग हो गया। उसने कहा कि भाई ये तो बहुत बड़ा मास्टर आ गया हमारे सामने, तो मैं इसको जॉब दे देता हूँ। तो मैंने ऐसे धुआंधार मतलब कि इंग्लिश वर्ड पे वर्ड मैंने फेंका, ए टू जेड मैंने सारा उसको सुना दिया, ए बी सी डी सारा सुना दिया, और वो देख के हैरान हो गया कि यार ये तो बड़ा मास्टर बंदा आया है, तो इसको काम देते हैं। तो मैंने उससे बहला फुसला के चालाकी से इंग्लिश बोल के उससे मैंने ये जॉब हड़प ली। तो उसने ड्राइवर ने बताया कि अगर ये आप तीन बंदे सही सलामत अपने मेन टाउन से लेके मेरे तक लेके आएंगे तो मैं आपको $1,000,000 दूंगा। तो $1,000,000 तो मैंने कभी देखे भी नहीं है यार, मुझे तो पता भी नहीं है कि $1,000,000 काले होते हैं कि चिट्टे होते हैं, मुझे पता भी नहीं है यार। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ यार, हाँ मैं बिल्कुल यार भाइयों, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ यार, वाह वाह वाह, अरे वाह 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 वाह, आज तो एकदम भरपूर तरीके से मजे आएंगे। $1,000,000 मुझे वो कैश देगा। मैं सबसे पहले $1,000,000 का मैंने एक बिरयानी का ढाबा खोलना है ये लॉस एंडोस के बैंक के पास। तो उसके बाद मैंने सिर्फ वो जो हलवाई है ना उसको लेकर उससे मैंने रायता बनवाना है। तो ढाबा खोलना है और रायते की दुकान खोलनी है, और उसके बाद मैंने ये क्या कहते हैं, मैंने पापड़ इम्पोर्टिंग एक्सपोर्टिंग का बिजनेस जो है शुरू करना है। और मुझे पूरा भरोसा है कि यार जब तक पम्मी भाई हमारे वो घूम के आएंगे, अरे परे हो जाओ, मैं पता नहीं यार ये बहुत महंगी चीज़ें लेके जा रहा हूँ यहाँ पे, मुझे $1,000,000 का सवाल है सामने मेरे, मत आओ मेरे सर पे खून सवार हो गया। अब ये इसको देख लो, इतने ओरे मामे आ गए, ओए होए, अगर ड्राइवर को पता लग गया कि मामे आ चुकी हैं और वो मुझे छली कर देगा यार,
मैं काम करता हूँ, मैं अपनी बंदूक जो है वो जेब में डाल लेता हूँ ताकि मामे चले जाए ठीक किसी रोड के ऊपर सामने। अरे नहीं, वो नीचे है, तो ठीक किसी रोड के ऊपर मामे आ चुके। और मैं ये कहने वाला था कि जब पम्मी हाई जब तक आएंगे उस टाइम तक मेरे पास बहुत पैसा होने वाला है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यार ये मिशन जो है हमारा कामयाब होगा। और ड्राइवर ने मुझे वो, उसको इंग्लिश नहीं आती, उसको ड्राइवर को इतनी इंग्लिश नहीं आती, लेकिन मैं समझ गया उसकी बातें, वो इशारे में समझा रहा था, मैं समझ गया। तो ड्राइवर ने मुझे बताया था कि यार अगर ये बंदे, तीन बंदे वहाँ ठीक तक एक पीस में नहीं पहुँचे, उसने बस किलिंग कुलिंग मतलब आई मेक यू डॉग ऐसे कुछ उसने कहा था। बेवकूफ़ बंदे को यार लॉस एंजेलिस में रहता है यार, इंग्लिश भी नहीं आती यार ये। अगर इसने पढ़ाई के ऊपर ध्यान दिया होता तो आज हमसे इंग्लिश में बात कर सकता। अरे बाप रे, सामने पुलिस है। टैक्सी वाले हट जाए यहाँ से। हाँ तो पुलिस वाली बहन, हम यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, हम तो है ही नहीं यहाँ पे। और चलेगी। हाँ तो मेरी बात समझ ली, मैं बहुत चालाक हूँ यार, मेरी बात सुन ली उसने, मैं बहुत क्लेवर बनता हूँ। तो मैं ये कह रहा था कि यार हमें पूरी कोशिश करनी है कि हमें ये तीन बंदे एक ही पीस में ड्राइवर तक पहुंचाने हैं, और तभी हमें ये $1,000,000 जो है वो कैश वो देकर, और इससे हमारे ये सपने साकार हो जाएंगे, ये ढाबे खोलने वाले सपने जो हैं। यहीं से मैं शॉर्टकट ले लेता हूँ यार। ओए हाँ कोई बात नहीं, ऐसे ऐसे होता रहता है, बड़े बड़े शहरों में ऐसी बात होती रहती है। लेकिन मुझे प्रॉब्लम ये पड़ रही है कि जैसे मैं अंदर जाऊँगा तो यार मेरे पीछे पुलिस आ जाएगी। मैं काम करता हूँ फटाफट, जो है अपना जो जेट है वो मैं रेडी कर लेता हूँ मोड मेन्यू के मदद से। तो जैसे मैं अंदर जाऊँगा तो ये सिक्योरिटी गार्ड वाला क्यों खड़ा है यहाँ पे? हेलो, अरे मेरे फाटक तोड़ दिया उसको। मैं दे दूंगा पैसे यार। अरे उंगली दिखा रहा था मुझे, तीन स्टार पुलिस आ चुकी है मेरे पीछे। ये तीन स्टार पुलिस इतनी जल्दी कैसे आ गई? तो जब तक पुलिस आती है मैं काम करता फटाफट यहीं पे बस खड़ी करके, और क्या कहते हैं यहीं पे बस खड़ी करके मैं यहाँ पे जहाज स्पॉन करके इन तीनों को अंदर बैठाता हूँ। जल्दी फटाफट जहाज के अंदर मड़ो मुस्टंडे इंसानों, इसको देख लो। सबसे पहले बुढ़ा बंदा आयो, ट्रेसी ट्रेसी बेवकूफ औरत, क्या कहते हैं, कौन सी गाली मैं सोच रहा हूँ, कोई गाली मैं सोच रहा हूँ, तो बस वही गाली मैंने ट्रेसी को दे दी। तो ट्रेसी बच्चलन औरत जल्दी कर जहाज के अंदर बैठ। अबे बेवकूफ इंसान जहाज के अंदर बैठ, पुलिस आने वाली है। कहाँ भाग के जा रही है? मुझे खुद लगता बाहर निकलना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं बाहर निकलूंगा तो पुलिस मेरे पीछे आ जाएगी यार। अरे बाहर निकल, मुझे जहाज उड़ाना भी नहीं आता, लेकिन थोड़ी बहुत मैंने ट्रेनिंग की है जहाज उड़ाने की। अरे बाहर निकल, क्या कर रहे हो? जहाज में सिर्फ एक ही बंदा बैठ सकता है क्या? इतना बड़ा जहाज है लेकिन सिर्फ एक ही बंदा बैठने की कोशिश कर रही है। ट्रेसी बहुत मामी बन रही है, मैं चलता हूँ। अरे बाप रे, दोनों, अरे दो टारगेट्स को तो पुलिस ने पकड़ लिया यार, ड्राइवर मुझे छोड़ेगा नहीं। तो चलो एक टारगेट, ये उड़ता कैसे है? अबे उड़न छू हो जा, उड़ जा। कैसे उड़ता है यार, मैं सारे बटन दबा रहा कीबोर्ड के ऊपर, लेकिन ये उड़ ले रहा। अरे सीधा हो जा मेरे बाप, अरे सीधा कैसे हो जा ये? अरे हम गिर जाएंगे यार, मुझे नहीं लगता कि यार ये जहाज वाला आइडिया सही था। मैंने बेवकूफ़ी कर दी बस को छोड़ के। लेकिन कोई बात नहीं, अगर जहाज के अंदर से धुएं निकल रहे हैं तो कोई बात नहीं, मैं मॉड मेन्यू की हेल्प की मदद से मैं अपने जहाज को ठीक कर सकता हूँ। मैं काम करता हूँ, मुझे ज्यादा ऊपर नहीं उड़ाना चाहिए क्योंकि ऊपर जो है कुछ ज्यादा ही नीचे हो गया है। अरे बीच वाले बंदे जो बीच के ऊपर चिलआउट कर रहे हैं वो हट जाओ, मैं नया पायलट हूँ, मुझे जहाज उड़ाना नहीं आता, मैं अभी जहाज में बैठा हूँ दूसरी बारी। मैंने वो गेम खेली थी, वो जहाज उड़ाऊ गेम, तो उससे मैंने थोड़ी बहुत ट्रेनिंग ले ली है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि वो ट्रेनिंग मेरे काम आएगी। हाँ तो वो जो मैंने गेम में देखा है कि जब भी आप जहाज के अंदर पड़ो, ये ऊपर कैसे होता है? होए मैंने बीच के ऊपर बंदे को मार दिया। नो यार मैंने कौन सी जॉब ले ली यार, ड्राइवर अगर मैं इनको पहुंचाता हूं तो ड्राइवर मुझे फिर भी मार देगा क्योंकि मैंने दो बंदे उनके वेस्ट कर दिए, पुलिस के कब्जे में आ चुके हैं यार वो दो बंदे। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि चलो एक बंदा तो कम से कम पहुंच जाएगा, जो एक बंदे के मुझे $3,00,000 जो मिलेंगे वो भी यार कुछ कम नहीं होते, $3,00,000 से तो मैं बहुत कुछ दे सकता हूँ। तो मैं ये कह रहा था कि वो मैंने जब जहाज वाली गेम खेली तो उसके अंदर वो पायलट जो है उसका एक फर्ज बनता है कि उसने वो जहाज की, अरे फिर से डब्बा, फिर से जहाज में से धुआं आ गया, तो उसका फर्ज बनता है कि उसने कहा था कि जब जहाज में बैठते हो तो अपनी जो आपके पैसेंजर्स हैं उनको आपने अनाउंसमेंट करनी होती है। तो मैं अभी अनाउंसमेंट कर देता हूँ, जो हमारे पैसेंजर हैं, एक ही पैसेंजर है यार। हाँ तो मैं अनाउंसमेंट ये करने वाला था कि
यात्रीगण कृपा कीजिए कि मैं हूँ आपका पायलट जादूगर। ये जहाज में पहली बार उड़ा रहा हूँ तो डरने वाली बात नहीं है, मैंने बहुत गेम्स के अंदर जहाज उड़ाया है। तो फ्लाइट का नंबर है लॉस सैंटोस 35426। अभी हम लॉस सैंटोस की पहाड़ी इलाकों के ऊपर जा रहे हैं। तापमान बाहर का 84 डिग्री है। अगर आपने कहीं खाना वगैरह खाना हो तो बोल दीजिए, मैं कहीं भी जहाज ढाबे के ऊपर खड़ा कर दूंगा। और प्लीज़ कृपया करके चलते जहाज से छलांग मत मारिए। चलते जहाज से छलांग मारना बहुत ही साहब के लिए हानिकारक हो सकता है। सीट बेल्ट मान लीजिए और अपनी जर्नी का एंजॉय कीजिए। आखिर में जो आपका सूटकेस मोबाइल फ़ोन पीछे रह जाएगा उसको बिल्कुल भी उठाने की कोशिश मत करना, वो मेरा हो गया, वो जब्त कर लेंगे हम। तो एंजॉय योर जर्नी। देखा भाई मैंने कैसे इंग्लिश में ऐसे मैंने आउट्रो किया कि भाई बंदा जो है पैसेंजर जो है बिल्कुल उसको प्रोफेशनल काम नज़र आना चाहिए। तो लीजिए लैंडिंग में तो एकदम बेस्ट है, ऐसी लैंडिंग करूँगा ना कि भाई ये पैसेंजर भी चक्रा क्यूर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने लैंडिंग करके हमने ड्राइवर को ढूंढना है। उस ड्राइवर ने बताया था कि हमें मिलना है यहाँ पे एक जगह है जहाँ पे यहाँ पे ये जो टूटे फूटे जहाज वहाँ पे छोड़े जाते हैं, तो वो ड्राइवर का अड्डा है। तो मैं गाड़ी निकाल के फटाफट पुलिस के आने से पहले, किसी को भनक होने से पहले वहाँ पे पहुँचना चाहिए। और क्या मैंने ज़बरदस्त लैंडिंग की यार, मुझे खुद पता नहीं मैंने कैसे कर ली। लगता है ऑटो पायलट मैंने ऑन किया था। नहीं, ऑटो पायलट ऑन तो मैं कर ही नहीं सकता। ये तो फिर मैं आपको पता है मैं कितना टैलेंटेड बंदा हूँ, मुझे ऑक्सफोर्ड वाले बंदे ढूंढ रहे हैं। पता है आपको ऑक्सफोर्ड वाले बंदे मुझे ढूंढ रहे हैं, बहुत टैलेंटेड बंदा हूँ यहाँ पे। अरे बाबा जी एक बात सुन लो, ड्राइवर को कुछ मत कहियो कि मैंने दो बंदे तेरे पुलिस के हवाले कर दिए, नहीं तो तेरी खोपड़ी मैंने 10 छेद कर देने। पता है वैसे तेरा शरीर भी इतना छोटा कि तेरी खोपड़ी में 10 छेद होने वाले भी नहीं है। तो मैं अरे चौप मेरे दोस्त कहाँ जा रहा है? चौप को यार वो चौप को भी पंगे लेते, अभी वो बाद में करेंगे, चौप को बाद में मिलेंगे। तो चलिए मैं फटाफट अपनी गाड़ी निकाल के वो जो है मैं अपने ड्राइवर गहिया के पास मिलने जाता हूँ। और जब मैं वहाँ पे जाऊँगा भाइयों तो मुझे ऑब्वियसली इंग्लिश में बात। अरे ये कौन सी गाड़ी आ गई? अरे यार ये गाड़ी देख के तो सबको भनक लग जाएगी कि यार इस गाड़ी में कोई ना कोई फसाद है, क्योंकि इतना मस्त मौसम है और मेरी गाड़ी के ऊपर बर्फ पड़ी हुई है। तो पुलिस को अगर ये गाड़ी दिखेगी तो उनको शक हो जाएगा कि इसकी गाड़ी के ऊपर बर्फ कैसे आए यार। तो चलिए कोई बात नहीं, मैं ये कह रहा था कि जब मैं ड्राइवर के पास पहुंचूंगा, भाइयों आपने वो जगह जो है स्किप कर देनी है, क्योंकि ड्राइवर को इंग्लिश नहीं आती और मैं नहीं चाहता कि आप उसकी टूटी फूटी इंग्लिश का सामना करना पड़े आपको। हाँ तो ये बात मेरे लिए ठीक है, तो आप वो जगह स्किप कर दीजिएगा। मेरे गले में क्या हो गया यार, मेरा गला मेरे मुँह से आवाज़ बाहर नहीं आ रही। हाँ तो अभी मुझे जो है अपनी थोड़ी जो बोलने का तरीका है थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा। और आपको तो पता है कि ड्राइवर भैया को हमारे हिंदी आती नहीं है, तो मुझे थोड़ी बहुत इंग्लिश भी मारनी पड़ेगी। तो आप भैया मेरी इंग्लिश सुन के आपने दंग नहीं होना, ये मैं बहुत चलाक बंदा हूँ, मैं कह रहा हूँ मैं बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता हूँ, A to Z मुझे सब आता है मुझे। अबे कहाँ जा रहा है साले, काम के ऊपर। ये गाड़ी कभी नहीं देखी तूने? कभी गाड़ी के ऊपर बर्फ नहीं देखी? अरे यहाँ पे आ चुके हैं। तो ड्राइवर भैया आई कम इन स्नोवी कार। यस चल बाबा जल्दी कर, आ गया सामने खड़े। हेलो मिस्टर ड्राइवर, I bring parcel for my friend. Trevor, give me money. You stupid little monkey, I told you to bring 3 people. You only brought me 1. You reckon this is funny? I'm gonna blow your head off right now, my man. हाँ, मुझे पता है आपको टॉयलेट जाना है, लेकिन मुझे भी जल्दी बहुत आई, मैं आपका बंदा लेके आया हूँ, मैं बजूका निकाल लेता हूँ। इसके बोलने के तरीके से मुझे नहीं लगता कि इसे टॉयलेट जाना हो, लेकिन मैं फिर भी अपनी बजूका जो है वो रेडी कर लेता हूँ। हाँ ट्रेवर मनी आई गो, हाँ यू पैसा इन माय पॉकेट, आई सिट इन कार एंड गो। ये मुझे पैसा देने वाला नहीं है। गिव मी मनी और आई बूम एवरीथिंग, माय फेस वेरी गुस्सा एंड कोई गड़बड़ की, आई बूम एवरी थिंग, आई एम टेलिंग यू आई एम वेरी। ये पैसा देने वाला नहीं है, भाग लो। मैं यहाँ से भाग लेता हूँ। यू लिटिल मंकी, आई एम गोना टेल यू द फर्स्ट थिंग आई एम गोना डू, आई एम गोना कॉल पम्मी भाई एंड आई एम गोना बैरी यू अलाइव, यू लिटिल मंकी डोंट रन अवे। हाँ कोई बात नहीं, पैसे मेरे घर पे पहुँचा दियो, मैं कह रहा हूँ अगर मैंने पैसे खाने की कोशिश की तो मैं फिर मिट्टी के गोले बना के, पता है मिट्टी गीली करके उसके गोले बना के तेरे ऊपर फेंकने हैं मैंने, अगर तूने मेरे
कोशिश की, ऐसा कोई बंदा धरती पर अभी तक पैदा नहीं हुआ जो मेरे पैसे खाने की कोशिश करे, समझ रहा है मेरी बात को? हाँ, तो मुझे नहीं लगता कि वो ड्राइवर हमारा पैसा खाएगा। और उसके अंदाज से, बोलने के अंदाज से मुझे पता लग गया था कि वो हमारे काम से बहुत खुश हुआ। और ये पुलिस मेरे पीछे पड़ चुकी है यार। अरे पुलिस बहन छोड़ दे यार, अरे प्लीज भाई छोड़ दे यार, मैंने अभी तक अपनी जॉब, मैंने वो पैसे लेने हैं यार, तू यार पैसे पहले ही आ गई है, मैं तुझे रिश्वत दे दूंगा, तू टेंशन मत कर, हमारी सारी सेटिंग हो चुकी है, तू टेंशन बिल्कुल मत कर। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि ड्राइवर को हमारे काम करने का अंदाज लगता है बहुत पसंद आया, तो वो चिल्ला चिल्ला के हमारी तारीफें कर रहा था। हाँ, तो आपने उसकी बातें गौर नहीं मारनी, उसको इंग्लिश नहीं आती इतनी, अभी सीख जाएगा यार वो, ऐसे ऐसे नहीं बोलते उसको, वो सीख जाएगा, कोई बात नहीं, वो सीख जाएगा, मैं उसको सिखाऊंगा। तो हाँ, तो मैं चलता हूँ, पुलिस मेरे पीछे आ रही है, और मुझे थोड़ा बहुत काम भी आ चुका है यार, वो आपको तो पता है, फिर मैं बहुत बिजी हूँ यार। और काम ये है कि वो कल मैंने वो जुराबें धोने के लिए डाली थी, धूप में सूखने वाली होंगी, और मैं चलता हूँ, मेरी जुराबें सूख गई होंगी, तो मैं ज़रा जुराबों को ज़रा इस्त्री करके फिर मैं वापस धो लेता हूँ। यार मेरे समझ में नहीं आ रहा। हाँ भाई, आपको पसंद आया होगा मेरा वीडियो, तो यार वो फिर से कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना कि पैगो भैया यहाँ पे नहीं है, ताकि पमी भैया को भनक ना लगे। तो चलिए, ओके, बाय बाय।